एक फिल्म जो आपके दिमाग से खेलती है। जी हाँ, क्रीपी। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक आदमी लोगों के दिमाग पे कब्जा करके कैसे सीरियल किलिंग करता है यह दिखाया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। टाकाकुरा एक पुलिस डिटेक्टिव है। उसकी खासियत यह है कि वो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी है, तो इसलिए उसे एक सीरियल किलर मात्सुओका को इंट्रोगेट करने भेजा जाता है ताकि वो उसके दिमाग को टटोले। इंट्रोगेशन के बीच वो थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बाहर आता है और वही मौका देख के मात्सुओका भागने की कोशिश करता है। वह एक औरत को हॉस्टेज बनाता है। टाकाकुरा बड़े कॉन्फिडेंस से उसे समझाने जाता है तो मात्सुओका उसे फॉक मार के घायल करता है, मगर आसपास जमा हो रहे पुलिस को देख वह डिप्रेस होके औरत के गले से फॉक घुमाता है और उसे मार डालता है। पुलिस उसे गोली मार देती है। मात्सुओका वहीं पे मर जाता है। टाकाकुरा इस घटना को अपनी सबसे बड़ी नाकामयाबी समझ के पुलिस की नौकरी से रिजाइन करता है और एक यूनिवर्सिटी में क्रिमिनल साइकोलॉजी का प्रोफेसर बन जाता है। वह और उसकी वाइफ यासुको एक छोटे से टाउन में एक खूबसूरत से घर में शिफ्ट होते हैं। यासुको अच्छी कुक है। अगर कोई उसके खाने की तारीफ करे तो वह सातवें आसमान पे चढ़ जाती है। उसके घर में मैक्स नाम का एक कुत्ता भी है। यासुको कुछ ज्यादा ही सोशल है तो वह टाकाकुरा के साथ अपने पड़ोसी से पहचान बनाने चॉकलेट लेके जाती है, मगर उसकी पड़ोसी तनाका अपने नए पड़ोसी के साथ पहचान बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती तो वो उनको भगा देती है। अब दोनों अपने दूसरे पड़ोसी निशिनो के घर जाते हैं, मगर वो तो दरवाजा ही नहीं खोलता। यासुको इन सब बातों से नाराज होती है। एक दिन टाकाकुरा अपना लेक्चर खत्म करके फील्ड रिसर्च कर रहा होता है तो उसे डेटाबेस में एक अजीब किस्म की केस दिखाई देती है। हिनो शहर के एक फैमिली के 3 मेंबर लापता हुए है। 6 साल पहले की यह केस अभी भी अनसॉल्व है। इस होंडा फैमिली में से हस्बैंड, वाइफ और उनका लड़का एक दिन अचानक लापता हो गए, मगर हाईस्कूल में जा रही उनकी लड़की साकी पीछे रह गई। टाकाकुरा अभी डिटेक्टिव नहीं है, मगर अपने सिलेबस के लिए वह केस को स्टडी करने का फैसला करता है। यहाँ ओवर सोशल यासुको फिर से अपने पड़ोसी को चॉकलेट देने जाती है। उसके पड़ोसी निशिनो का बिहेवियर कुछ अजीब सा है। उसमें फ्रेंडली अप्रोच नहीं है। वह यासुको से चॉकलेट लेके बिना थैंक्स कहे गेट लगा के घर के अंदर चला जाता है, जिससे यासुको मनी मन नाराज होती है। वह समझ जाती है अपने दोनों पड़ोसी बकवास है। यहाँ टाकाकुरा अपने असिस्टेंट के साथ होंडा के घर के पास जाता है। उस घर के फोटो लेते वक्त उसे अजीब किस्म की फीलिंग होती है तो वह घर के अंदर नहीं जाता, वहीं से वापस लौटता है। रात को यासुको निशिनो के अजीब बर्ताव का जिक्र टाकाकुरा से करती है। वह उसे अपने पुलिस एक्सपीरियंस से बताता है कि जो लोग अजीब होते हैं वह अच्छे होते हैं। दूसरे दिन टाकाकुरा से मिलने उसका पुराना टीममेट नोगामी आता है। वह टाकाकुरा को बताता है कि इस तरह होंडा फैमिली का गायब होना उसके लिए भी एक पहेली है, और वह भी एक लौती लड़की को पीछे छोड़ के। नोगामी टाकाकुरा को ऑफर देता है कि अगर वह चाहे तो वह दोनों मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो वह दोनों उस घर के पास आ जाते हैं, क्योंकि शुरुआत हमेशा क्राइम सीन से की जाती है। वहाँ उन्हें साकी मिलती है जो एक लौती होंडा फैमिली की मेंबर में से बची है। उसे वहाँ देख के दोनों को आश्चर्य होता है। 6 साल से वो घर वीराना पड़ा है और उसी वक्त बची हुई एकलौती मेंबर का वहाँ आना उन्हें अजीब संयोग लगता है। टाकाकुरा उससे बात करने की कोशिश करता है तो वह घबरा के वहाँ से भाग जाती है। टाकाकुरा एक बार होंडा के घर के पड़ोस में बनाए घर को देखता है और वहाँ से लौटता है। यहाँ यासुको अपने कुत्ते मैक्स को घुमा रही होती है तो वह निशिनो पे हमला करता है। निशिनो यासुको से कहता है कि यहाँ के लोगों का बिहेवियर दोस्ताना नहीं है, इसलिए उसके व्यवहार में भी रुखापन आया है। वह यासुको के चॉकलेट की तारीफ करता है। तभी निशिनो की लड़की मियो स्कूल से वापस आती है। मैक्स पैर से उसके पास जाता है और वह देख के निशिनो के चेहरे पे गुस्सा आता है। यासुको निशिनो से उसके वाइफ के बारे में पूछती है। उसके उस सवाल से निशिनो में अचानक परिवर्तन आता है और वह गुस्से से मियो को लेके घर के अंदर जाता है। यासुको कंफ्यूज होती है। रात को घर वापस लौटते वक्त टाकाकुरा को निशिनो रास्ते में पकड़ लेता है और उससे कंप्लेन करता है कि उसकी वाइफ अननेसेसरीली दूसरों के पर्सनल लाइफ में इंटरफियर कर रही है, तो वह अपनी वाइफ को समझाए वरना अंजाम बुरा होगा। उसकी वह धमकी सुनके टाकाकुरा उस अजीब इंसान को देखते रह जाता है। वैसे तो टाकाकुरा अपनी वाइफ की इस हरकत से परेशान है। वह यासुको को इतना ही कहता है कि अपने अजीब पड़ोसी से वह दूर रहे। दूसरे दिन टाकाकुरा साकी के घर जाता है। वह उसे बताती है कि उस वक्त क्या हुआ था उसे याद नहीं, उसकी मेमोरी ब्लर सी हो गई है। दूसरी ओर यासुको कल की वाकया से कोई सीख नहीं लेती और स्ट्यू का बाउल लेके निशिनो के घर पहुंचती है। उसे फिर से देख के निशिनो परेशान होता है। वह उसे अपनी वाइफ से मिलाने घर के अंदर ले जाता है। वह मियो से कहता है कि यासुको तुम्हारी माँ से मिलना चाहती है, मगर मियो के रिएक्शन से यासुको समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, तो वह वहाँ से निकल के आती है। यहाँ दूसरे दिन साकी टाकाकुरा को मिलने यूनिवर्सिटी आती है। अब साकी 6 साल पहले का वो वाकियात बताना शुरू करती है जिस दिन होंडा फैमिली लापता हुई थी।
वो बताती है कि उसकी माँ किसी से सीक्रेटली बातें करते रहती। वो क्या बातें करती थी वो कभी सुनाई नहीं दिया, मगर वो बहुत घबराई हुई नजर आती थी। ऐसा लग रहा था फोन की दूसरी तरफ जो शख्स है वो उसे कंट्रोल कर रहा है, मानो माँ ने उससे कर्जा लिया हो। उसका स्वभाव अजीब सा हो गया था, कभी वो अचानक हंसती थी तो कभी बच्चों की आवाज में बातें करती थी। साकी बताती है कि उसके डैडी और भाई के साथ भी वही होने लगा था और इसकी वजह वो मिस्टीरियस आदमी ही था। साकी बताती है कि शायद वो उसका भ्रम भी हो सकता है, मगर उसे लगता है कि उसके फैमिली के लापता होने के पीछे उसी आदमी का हाथ है। साकी से बात करते वक्त टाकाकुरा को पता चलता है कि साकी की मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही है। रात को यासुको निशिनो और मियो को अपने घर खाना खाने बुलाती है, जो टाकाकुरा को अच्छा नहीं लगता। निशिनो यासुको के खाने की तारीफ करता है, जिससे यासुको बहुत खुश होती है। टाकाकुरा जब निशिनो को उसके जॉब के बारे में पूछता है तो वह एब्रप्टली टाकाकुरा से कहता है कि वह ऐसा काम करता है जिसमें हाथ खराब होते हैं। अगर जानना चाहते हो तो कभी अकेले में मिलना, बता भी दूंगा और दिखा भी दूंगा। उसके जवाब से टाकाकुरा के समझ में नहीं आता, अब क्या बात करे। उनके जाने के बाद यासुको निशिनो की तारीफ करती है, मगर टाकाकुरा समझ जाता है उसका पड़ोसी गड़बड़ है। अगले सेशन में साकी टाकाकुरा को बताती है कि उसके डैडी माँ और भाई उस दिन किसी से मिलने वाले थे और कुछ तो करने वाले थे, मगर वो मेरे जाने की राह देख रहे थे, शायद वो उसी मिस्टीरियस आदमी से मिलने वाले थे। अब वो आगे टाकाकुरा को बताती है कि उस आदमी को शायद उसने एक बार उसके पड़ोस के घर के लॉन में खड़ा देखा था। उस वक्त वो अपने घर के विंडो में थी। नोगामी फाइल देख के तुरंत बताता है कि वो पड़ोस वाला घर किसी मिजुटा नाम के आदमी का है। वो घर भी पिछले कई सालों से वीरान है। साकी किसी मिजुटा को नहीं पहचानती। टाकाकुरा रात को घर लौट रहा होता है तो वह ट्रेन में निशिनो को एक बूढ़ी औरत को अपनी सीट ऑफर करते हुए देखता है। पल भर उसे लगता है कि ऐसा इंसान गलत नहीं हो सकता। दूसरे दिन नोगामी होंडा के घर के पास पहुंच जाता है, मगर वह उस घर के अंदर न जाके पड़ोस के मिजुटा के घर के अंदर जाता है। घर में बदबू फैली हुई होती है। वह बदबू कहाँ से आ रही है यह ढूंढते हुए वह एक वार्डरोब के पास आता है। जब वह वार्डरोब खोलता है तो उसे अंदर 5 लाशें वैक्यूम थैली में बंद की हुई दिखाई देती है। इस खोज से नोगामी न्यूज में आता है। नोगामी टाकाकुरा से कहता है कि 5 में से 3 लाशें लापता होंडा फैमिली की है तो दूसरी 2 लाशें मिजुटा के फैमिली की है। अब दोनों को एक ही सवाल घेर लेता है कि साकी ने मिजुटा के घर देखा हुआ वो मिस्टीरियस आदमी है कौन। दूसरी ओर यासुका को पता चलता है कि मैक्स गायब है तो वह उसे ढूंढने निकलती है तो उसे एक गार्डन में निशिनो के साथ वो दिखाई देता है। वह थैंक्स कहने निशिनो के पास जाती है, मगर अचानक निशिनो के चेहरे से रंग बदल जाता है। वह अपनी आंखें यासुको की आंखों से मिलाता है और उससे अजीब सवाल करता है कि बताओ तुम्हारे पति और मुझ में अट्रैक्टिव कौन है, वह या मैं। यासुको एकटक उसके आंखों को देखती रह जाती है। हमें समझ में आता है कि निशिनो ने उसे हिप्नोटाइज किया है, मगर यह चक्कर क्या है यह बाद में हमें पता चलता है। एक दिन टाकाकुरा घर लौट रहा होता है कि मियो उसे रास्ते में पकड़ लेती है। वह बहुत डरी हुई है। वह टाकाकुरा से कहती है कि निशिनो उसका बाप नहीं है। बाप तो दूर की बात, वो यह तक नहीं जानती कि वो कौन है। तभी निशिनो बाहर आता है और मियो को मारते हुए घर के अंदर लेके जाता है। उसका यह बर्ताव टाकाकुरा के मन में शक पैदा करता है। रात को यासुको घर में सब्जी काट रही होती है कि अचानक उठ के ऊपर के रूम में चली जाती है और फोन पे किसी से बातें करने लगती है। जब टाकाकुरा वहां आता है तो वो फोन बंद करती है। टाकाकुरा उसे फोन के बारे में पूछता है तो वह टाल देती है। अब टाकाकुरा के मन में शक घर कर लेता है। इस बात पे दोनों का झगड़ा होता है। पहले जिस यासुका को इस घर में शिफ्ट होने पे पछतावा हो रहा था वही यासुको उसे अब इस घर में खुश दिखाई देने लगती है। एक दिन सुबह टाकाकुरा मॉर्निंग वॉक के लिए घर के पीछे पहाड़ी पे चला जाता है, जहाँ से उसे उसका घर और निशिनो का घर दिखाई देता है। घर की अरेंजमेंट देख के वो शॉक होता है। वो होंडा और मिजुटा के घर का फोटो निकाल के मैच करता है तो उसे पता चलता है दोनों फोटो के घरों की पोजीशन एक जैसी है। अब उसका इनर माइंड उससे कुछ कहने लगता है कि यह संयोग नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। तो वह नोगामी को तहकीकात करने को बोलता है। टाकाकुरा की दूसरी पड़ोसन तनाका उससे कहती है निशिनो भले ऊपर से आम आदमी लगता हो मगर अंदर से वह शैतान है जो उसने महसूस किया है। यहाँ नोगामी कंप्यूटर पे निशिनो की इन्फॉर्मेशन चेक करता है तो उसे पता चलता है कि निशिनो और मिजुटा दोनों एक ही जॉब करते थे इंस्टीट्यूट डायरेक्टर का। वह देख के उसे भी शक होने लगता है और वह निशिनो के ड्राइवर लाइसेंस की कॉपी लेके निशिनो के घर पहुंचता है। मगर जब वह निशिनो को देखता है तो शॉक होता है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस पे निशिनो का फोटो कुछ और है और हकीकत वाला निशिनो कोई और है। अब इस शक को लेके वह घर के अंदर जाता है मगर वह ट्रैप होता है। वह अंधेरी गली से आगे बढ़ता है तो उसे एक लोखंड का दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा खोल के अंदर देखता है तो शॉक होता है, मगर अब देरी हो चुकी है, कोई चीज उसे बेहोश करती है। रात को टाकाकुरा घर लौट रहा होता है कि उसे तनाका के घर की लाइट फ्लिकर होते हुए दिखाई देती है,
मगर वह जैसे ही घर के पास जाता है तो घर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज सुन के यासुको बाहर आती है तो टाकाकुरा उसे पुलिस को फोन करने बोलता है। वह हेल्प के लिए तनाका की घर की तरफ जाता है तो दूसरा ब्लास्ट होता है। अब टाकाकुरा निशिनो के घर जाता है तो अंदर का नजारा देख के उसे झटका लगता है। अंदर निशिनो आराम से टीवी देख रहा होता है जहाँ ब्लास्ट की आवाजें सुन के पूरा मोहल्ला जमा हुआ है। वहाँ पड़ोस के घर में रहने वाला निशिनो बड़ा रिलैक्स है। दूसरे दिन मेट्रोपोलिस का ऑफिसर तानिमोटो इन्वेस्टिगेशन के लिए टाकाकुरा के घर आता है। तानिमोटो से टाकाकुरा को पता चलता है कि तनाका के घर 3 जली हुई डेड बॉडीज मिली है, जिसमें से 2 तनाका और उसकी माँ की थी तो तीसरी नोगामी की थी। उसकी बातें सुनकर टाकाकुरा शॉक होता है। नोगामी तनाका के घर क्या कर रहा था यह उसके समझ में नहीं आता। तभी उसे याद आता है कि उसने नोगामी को निशिनो के बारे में तहकीकात करने के लिए कहा था। अब वह अपना शक तानिमोटो के सामने जाहिर करता है, मगर तानिमोटो निशिनो को क्लीन चिट देता है। अब टाकाकुरा समझ जाता है कि वह अपने पड़ोसी को जितना सीधा साधा समझ रहा था उतना वह है नहीं। दूसरे दिन टाकाकुरा साकी से मिलता है और निशिनो का फोटो उसे दिखा के पूछता है कि क्या उसने मिजुटा के घर इसी आदमी को देखा था, मगर वह जवाब देना टाल देती है। तो यहाँ यासुको धीरे धीरे निशिनो के कंट्रोल में आने लगती है। निशिनो अपनी बातों से और नजरों से उसे पूरी तरह हिप्नोटाइज कर देता है। अगले ही पल निशिनो के घर के अंदर हमें वह तहखाना दिखाई देता है। मियो नोगामी की डेड बॉडी को वैक्यूम करके बैग में भरते हुए दिखाई देती है। पास ही मियो की माँ भी दिखाई देती है जो हिप्नोटाइज है। अब निशिनो मियो से कहता है कि वो उस औरत को इंजेक्शन दे। उनकी बातों से पता चलता है कि मियो का भाई भी मर चुका है। मियो माँ को बेहोशी का इंजेक्शन देती है। अब मियो अपनी माँ की मदद से नोगामी की बॉडी को तहखाने में डाल देती है। इन सब चीजों से क्लियर हो जाता है कि निशिनो ही वह मिस्टीरियस आदमी है जिसने होंडा और मिजुटा की फैमिली को मारा, और अब असली निशिनो के घर पे कब्जा करके उसकी फैमिली को मारने का उसका प्लान है। निशिनो के हिप्नोटिज्म का यासुका पे भी असर होने लगता है। वह खोई खोई सी रहने लगती है। उसके हाथ पे भी हमें इंजेक्शन के निशान दिखाई देते हैं। एक रात मियो की माँ निशिनो पे हमला करती है तो निशिनो मियो से अपनी माँ को मारने को कहता है। निशिनो इस तरह का साइको है जो अपने हाथों से लोगों को नहीं मारता, फैमिली मेंबर के हाथों ही फैमिली को मरवाता है। मगर मियो माँ को मारने से इनकार करती है तो निशिनो मजबूरी में उसकी माँ को गन से मार देता है और इसका इल्जाम वो मियो पे लगाता है। अब मियो की माँ को वैक्यूम करके बैग में भरने के लिए वो यासुका को बुलाता है। मियो और यासुका दोनों मिलके माँ की डेड बॉडी को बैग में बंद कर देती है। टाकाकुरा घर आता है तो डरी हुई मियो उसके घर आती है, मगर इसके पहले के वो उसे कुछ बताए निशिनो वहाँ आता है। उसे वहाँ देख के टाकाकुरा दरवाजा बंद करता है, मगर निशिनो चाबी से दरवाजा खोल के अंदर आता है। अपने घर की चाबी निशिनो के पास देख के टाकाकुरा गुस्सा हो जाता है और निशिनो को पीटने लगता है। तभी यासुको निशिनो के घर से बाहर आती है। टाकाकुरा समझ जाता है कि यासुको ने ही निशिनो को घर की चाबी दी। वह निशिनो को मारने लगता है कि तभी पुलिस आके टाकाकुरा को अरेस्ट करके लेके जाती है। पुलिस स्टेशन में टाकाकुरा तानिमोटो से कहता है निशिनो ने ही नोगामी को मारा है और उसी ने होंडा और मिजुटा को भी मारा है। तानिमोटो टाकाकुरा से कहता है कि यही सब जानने के लिए उसने निशिनो को पुलिस स्टेशन बुलाया है। मगर जब वो दोनों निशिनो को रखे हुए रूम में जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि निशिनो भाग चुका है। अब दोनों निशिनो के घर जाते हैं। टाकाकुरा अपने घर यासुका को देखने चला जाता है तो तानिमोटो निशिनो के घर जाता है। उसे घर के अंदर कोई दिखाई नहीं देता तो वह तहखाने की तरफ जाता है, मगर वह ट्रैप होता है। वह तहखाने के अंदर बनाए खड्डे के अंदर गिर जाता है। निशिनो उसे वो अजीब इंजेक्शन देके मार देता है। यहाँ टाकाकुरा को घर में यासुको नहीं दिखती तो वह उसे ढूंढते ढूंढते निशिनो के घर आता है। वहाँ उसे यासुको नशे में दिखती है। वह कैसे वैसे उसे लेके निकलता है कि तभी निशिनो गन लेके वहाँ आता है। वह टाकाकुरा से कहता है कि उसने यासुका को हिप्नोटाइज के जरिए वश कर लिया है तो वह जैसा कहेगा वह वैसा ही करेगी। निशिनो गन यासुका के गर्दन पे लगा देता है। यह देख के टाकाकुरा के अंदर का साइकेट्रिस्ट जाग जाता है। वह मेंटल गेम खेल के यासुका को अपने पास बुलाता है। उसे यही साबित करना होता है कि मेंटली वह निशिनो से स्ट्रांग है। इमोशनल होकर यासुका टाकाकुरा के पास आती है। अपनी हार होते देख के निशिनो बेबस होता है, मगर तभी ऑल ऑफ अ सडन यासुका टाकाकुरा के हाथ पे इंजेक्शन लगाती है। टाकाकुरा बेहोश होता है। निशिनो जीत जाता है। अब निशिनो वह घर छोड़ने की तैयारी में लग जाता है। उसे नए घर की तलाश है। निशिनो यासुका मियो टाकाकुरा और मैक्स के साथ वहाँ से निकल पड़ता है। टाकाकुरा को हथकड़ी से बांध के रखा है। वह एक आइसोलेटेड बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। निशिनो बिल्डिंग की टेरेस पे जाके बाइनोक्यूलर से उसे जैसा चाहिए वैसा घर ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है। वही आगे पीछे पड़ोसी के घर को अटैच। वह नीचे आके सबको इस बात की खुशखबरी देता है। अब नई फैमिली को शिकार बनाने के लिए वह एक प्लान बनाता है। वो मियो से कहता है कि तुम हमेशा की तरह मेरी लड़की बनोगी, टाकाकुरा और यासुका कजिन। मगर मैक्स उनकी फैमिली में कहीं नहीं बैठ रहा तो वह मैक्स को मारने की सोचता है।
वह गन को हिप्नोटाइज किए हुए टाकाकुरा के हाथ देता है, क्योंकि हमेशा की तरह वह अपने हाथों किसी की हत्या नहीं करना चाहता। उसे अपने ब्रेन वॉश पे पूरा विश्वास होता है जो उसने टाकाकुरा का किया है, मगर टाकाकुरा अपने पूरे कंट्रोल में होता है। वह गन से मैक्स की बजाय निशिनो को मार डालता है। जैसे ही निशिनो मरता है, मानो सबके दिमाग से उसके हिप्नोटिज्म का असर उतरता है। मियो खुशी से मैक्स को लेके वहां से निकलती है तो यासुको रोते हुए टाकाकुरा की बाहों में समा जाती है। मूवी यहाँ खत्म होती है। अब थोड़ा कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। निशिनो यह एंटी सोशियल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर साइकोपैथ है, जो ऐसे कंप्लीट फैमिली को अपना शिकार बनाता है जिसमें हस्बैंड, वाइफ, लड़का और लड़की हो। फिर वह कन्वर्सेशनल हिप्नोसिस के जरिए घर की लड़की को वश में करता है, जैसे साकी और मियो, और उनके जरिए बाकी की फैमिली को मारता है, जैसे साकी ने अपनी फैमिली को मारा था। इसीलिए जब उसकी याददाश्त वापस आती है तो वह टाकाकुरा को हेल्प करने से मना करती है, क्योंकि उसके हाथों उसकी फैमिली का कत्ल हुआ था। यहाँ असली निशिनो की फैमिली को भी उसने मियो के जरिए मारा होगा। निशिनो ऐसा साइकोपैथ है जो अपने हाथों से किसी को नहीं मारता। अब उसके घर के सिलेक्शन के बारे में कहा जाए तो जापान में फेंगशुई में ऐसा कहा गया है कि अपना घर पड़ोसी के घर के थोड़े पीछे मगर थोड़ी हाइट पे होना चाहिए, ताकि उस पर कंट्रोल रखा जा सकता है। इसीलिए निशिनो हमेशा ऐसे ही घर की तलाश में होता है। टाकाकुरा खुद एक क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट था, इसीलिए वो खुद को हिप्नोटाइज नहीं होने देता। वो ढोंग करता है कि वो हिप्नोटाइज है और मौका देख के निशिनो को मार देता है। तो आपको यह साइकोलॉजिकल थ्रिलर कैसे लगी यह कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। इस फिल्म की डिटेल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ।